एवरीवन, आई एम शालिनी रावत एंड वेलकम फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल। सो अभी जो है टाइम हो रहा है 12 बज रहे होंगे या बजने वाले होंगे, ऐसा टाइम हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि एक तो ना यहाँ टाइम मतलब थोड़ा सी मतलब समझ रहे हो कि जैसे अभी बस 12 बज रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया होगा, और एक हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि 12 बज गए होंगे तो ऐसा लगता है कि सुबह ही हो रही है अभी, इस टाइप का कुछ। तो जो है मैंने सोचा कि लंच बना लेती हूँ, लंच बना के रख देती हूँ तो सही रहेगा, मतलब अगर मौसा जी भी जो है आएंगे तो फटाफट खा लेंगे इस टाइप का। तो वो कुकर जो है आज, कल तो उस कुकर ने बहुत साथ दिया मेरा, मतलब कि बिल्कुल भी गिरा नहीं उससे, और आज जो है वो कुकर पता नहीं क्या हुआ उसमें, मतलब शायद से मैंने पानी ज्यादा डाल दिया या पता नहीं क्या हो गया, वो सेम जैसे मेरे घर में होता है वैसे ही वो आज मेरे साथ यहाँ भी काम। ठीक है, बाकी यार मतलब यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है मुझे, और एक तो ना मैं जब ये खाना बना रही हूँ मुझे ना फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं खाना बना रही हूँ। सिटी आ गई बेटा। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, तो जब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे ऐसे फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं खाना बना रही हूँ। एक तो हम तीन लोग हैं, ठीक है, और इतने जल्दी खाना बन जा रहा है, इतने जल्दी खाना बन जा रहा है, मैं क्या बताऊँ, गिनती के मतलब 8-12 मतलब अब मैं आ गई हूँ तो मतलब थोड़ा बन जा रहा है ज्यादा, पर ऐसी रोटी बन रही है। और मुझे ना वहां की आदत पड़ी हुई अपने घर की, तो 15-16 इतने तो हम कुत्तों के लिए ही बनाते हैं यार, तो मुझे ना लग ही नहीं रहा कि मैं खाना बना रही होंगी, इतना मतलब जल्दी इतना स्पीड में बन जा रहा है कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैसे बताऊं यार, मैं आंख झपकते ही जो है खाना बन जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैं दिखाती हूँ कि कुकर कैसा हो गया, ठीक है। तो यार ये ऐसा हो गया यार, ये अब क्रिश धोएगा इसको, क्रिश की धोने की ड्यूटी है ना, तो इतना गंदा से। एक तो जो है बाहर देखो ये सीधा हाईवे है ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो जो है बहुत आवाज आती है यार गाड़ी की, ना सुनाई नहीं देता है, ना बोला जाता है कुछ भयंकर की, और ये ऐसा हाल हो गया इसका। अभी मैं हूँ विंडो की साइड, और पीछे जो है कुछ लोग कुछ लेडीज जो है अपने सिर में मेहंदी लगा रही है, पता नहीं आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, पर ज्यादा जोर से बोलूंगी तो उनको सुनाई देगा। तो कैमरा मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है, यहाँ पे अच्छा है यार, यहाँ पे ना इनकी खिड़की सही है, एक मेरे घर की खिड़की में तो क्या बताऊं यार, वो थोड़ा अजीब सी है। अब दाल देख लेती हूँ कि कैसी बनी है, ठीक है, पता चला दाल ने भी धोखा दे दिया तब क्या होगा। एक तो मैं इसलिए जो है जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि मौसा जी आ रहे हैं और अपने आप ही खाना बना दे रहे हैं, मतलब कि फटफट फटफट करके बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं एंड बहुत ज्यादा काम करते हैं वो, तो इसलिए मैं जो है फटाफट से बना के रख दे रही हूँ ताकि वो ना बनाए, मतलब ना वो आंख मेरी झपक रही है तब तक खाना आ जा रहा है, मतलब तो ऐसा वाला सीन हो रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ। पता नहीं दाल कैसे हो गया, पहले पहले मुझे थोड़ा अलग सा लगा, अब लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही हूँ, मतलब मुझे मैं फिट हो गई हूँ एकदम मस्त तरीके से, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज कुकर बहुत ही खराब हो गया। चलो दाल तो पकी गई है वैसे, यहाँ किचन की खिड़की से देखने के लिए इतना बढ़िया है ना, मतलब कि वैसे तो हर जगह से ही है, पर ये है कि खाना बनाते बनाते अपना एंटरटेनमेंट हो सकता है, यहाँ से देख लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इतनी सारी यात्रा की गाड़ी आ रही है आजकल, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब, और इतनी रफ भी चला रहे हैं गाड़ी यहाँ, मतलब कि जैसे इतना गंदा मतलब इतना गंदा कट काट रहे ना ये, मैं क्या बताऊं। कल जब हम जा रहे थे तो बहुत ही मतलब अजीब सी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब उनको ना ये है कि हमको इनसे आगे निकलना है, मतलब बस यही है कि एक दूसरे से आगे निकलना है, तो उस चक्कर से जो है ये नहीं देख रहे कि बैंड है पहाड़ है, नहीं उनको ये है कि टशनबाजी की हमको आगे निकलना है, तो उस चक्कर से जो है वहां से भी आगे से भयंकर तरीके से गाड़ी आ रही है, यहां से भी अगर तुम गलत कट ले रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर एक्सीडेंट ही होगा, फिर और क्या होगा। चलो बाकी मैंने चावल रख दिया बनाने के लिए, और मन कर रहा था मेरा चटनी बनाऊं,
देखती हूँ मिलता है अगर यहाँ से पुदीना वगैरह कहीं तो ना। दाल वाले कुकर ने तो धोखा दिया, कहीं चावल भी ना धोखा देते मुझे कहीं। देखती हूँ गिरता कि नहीं गिरता अभी यार। अरे एक तो मुझे कुकर वाले सामान मतलब चीजें बना दे। चावल है वो वैसे ही बाहर आ गया जैसे मेरे घर में आता है यार। मुझे कुकर वाली चीजें नहीं आती यार बनाने। अब मैं इसको यहीं पे लगा लेती हूँ और यहीं पे खड़ी रहती हूँ, देखती हूँ कि कब तक बनेगा ये मतलब ना। अरे यार एक तो ये गाड़ियां इतनी बनकर आती हैं, आवाज़ ही सुनाई दे रही है यार मुझे ना। एक कुकर से डर भी लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि वो फूट जाएगा ऐसे, पता नहीं क्यों ना। तो यहीं पे रहती हूँ और पता चला फिर चावल में चला दिया पहले तो क्या हो जाएगा फिर। छिपछि यार मौसी जी बोलेंगे रहने तो बेटा उसको, तो मैं ही बना लूंगा। आने वाली है इसमें सीटी अभी ना। प्लीज 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 बाहर मत निकलना यार, बाहर मत निकलना। बन चुका है और बस खाएंगे थोड़े देर बाद। मौसा जी ने बोला बाद में खाएंगे क्योंकि फिलहाल तो अभी एक या ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा। तो फिलहाल जो है मेरे सामने फोटोज है मौसा एंड मौसी की पुरानी, तो वो दिखाती हूँ। ओके ये रहे हमारे हैंडसम मौसा जी, वैसे लग तो बहुत बढ़िया रहे यार मतलब स्मार्ट ना। ये क्रिश सबसे छोटे में ऐसा था, और ये हमारी हीरोइन मौसी जी। बाकी ये इनके ब्लैक एंड व्हाइट, और इसमें ये तो क्रिश वाला होगा शायद से। हाँ बाकी ये इसका कितना पुराना टॉय है यार गणेश जी। वाओ यार बहुत पुराना है, काफी टाइम से रखा हुआ है यार। सही है मतलब काफी केयर करके रखा हुआ है। बाकी इसके बारे में मुझे मालूम, मगर इसके बारे में मुझे लग रहा है कि शायद से देहरादून से ही लिया था आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बाकी तो पता नहीं यार। बाकी ये रही मेरी मौसी की कलाकारी, मतलब पेंटिंग करती थी मौसी शायद से, ये नहीं ये है और भी है शायद से, एक ये मोर वाला है, ये तो फेमस होता था ना मतलब पहाड़ियों के घर में। एंड इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। और बाकी ये भी शायद से उन्होंने खुद ही बनाया है, और ये भी अच्छी कलाकार थी यार मौसी, ऐसी बात नहीं है। खाना खा लिया हम लोगों ने और मौसा जी ने इतना ज्यादा रखा कि मेरा पेट भर गया यार बहुत भयंकर तरीके से यार। ए डॉगी क्या कर रहे इधर हैं? ए ओ माय गॉड, इस टाइम तो कुछ ज्यादा ही गाड़ी आ गई यार, कितना भयंकर ट्रैफिक। आज जो है मैंने इतना ज्यादा खाना खा दिया, मैं क्या बताऊं यार, मुझे अभी जो है नींद आ रही है और जो है थोड़ा सी रेस्ट कर लेती हूँ। सोऊंगी नहीं क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आएगी ना, तो इसलिए यार। बाकी यार थोड़ा थोड़ा मुझे एलर्जी स्टार्ट हो गई है मतलब ना, इचिंग विचिंग, कभी खुजली हो रही है सिर में, कभी हाथ में ऐसे, और कल धूप में गई तो हाथों में तो खैर हो ही रही है, तो एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम है यार। अच्छी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।